और मैच था पहला यानी फाइनल मुकाबले की पहली रेड मनदीप नारू की तरफ से। सिंहवाड़ा गांव का ये शानदार खिलाड़ी सामने और काला लाट को शायद टच किया है, पहला पॉइंट नन्ना के खाते में जोड़ता हुआ। आप बारी बारी से बिल्कुल तबाह आपने और हमने नानुंद में कमेंट्री करी तो बहुत सराहा था कि बारी बारी से बोले, बहुत अच्छा बोले दोनों भाई और सब लोगों को अच्छा लगा, ऐसा ही तालमेल बनाया। जय भी जीवन भरी। धन्यवाद सुरेश जी। रेड पर है मोहित नंदगढ़, एक युवा स्टार खिलाड़ी, मात्र 20 साल की उम्र, 110 किलोग्राम वजन। सामने मनीष मानपुरा, श्याम सिंगवा और ये मनीष, लेकिन अंक लेने में मोहित नंदगढ़ आज जमुला टीम का हिस्सा, कामयाब रहे जीत लाल साहब जी। और अब आएगा रिंकू खरेटी दोस्तों, जिस भाई ने, जिस बड़े खिलाड़ी ने हरियाणा प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान का नाम रोशन, कनाडा की धरती पर जाके नाम रोशन किया है, वो खिलाड़ी रेड पर यानी नैन परिवार का बेटा रिंकू खरेटी। सामने होंगे गवांडी चार भाई, चाहे सुधीर सुद्धा की बात है, अनिल पानू की बात है, दीपक दाना की बात है और चौथा कैचर है लठिया काला। ओ दीपक दाना और रिंकू खरेटी, पॉइंट गोज टू रिंकू। अब आ गया है सुधीर लालदा जी। दलाल साहब नाम है सुधीर, प्यार से कबड्डी जगत में कहते हैं डालडा, गांव जमोला, डिस्ट्रिक्ट जींद, सिंगवा राघव के पाड़े में 4-1 के बीच मुकाबला। मनीष मानपुरा, श्याम सिंगवा, रामदिया सिंगवा, मिता सिंगवा से एक अंक लेने के लिए और ये मनीष मानपुरा, लेकिन डबल टच का इशारा अजय वर्षी हरियाणा पुलिस द्वारा। गुड डिसीजन, गुड पॉइंट फॉर सुधीर डालडा जमोला जी दलाल साहब। और जयवीर जीवन बोरी, दूसरी रेड मनीष मनदीप, मनदीप दूसरी रेड पर है क्योंकि रेडों का लेखा जोखा होगा, कितनी रेड लगाई, कैचर ने कितने टच किए, कितनी कैच लगाई और ये भी डबल टच है। पहले लाठिया काला को टच हुआ, अनिल पालू ने गलती की, पॉइंट मिला नन्ना सिंगवा को, फिर आपके पाले में आ रहा है मोहित दलाल। बिल्कुल शानदार मुकाबला चलता हुआ, मोहित नंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट जींद का ये लाडला, गांव नंदगढ़ का ये बेटा मनीष मानपुरा, बल्ले बल्ले मनीष, मनीष मोहित नंदगढ़ कामयाब, मोहित वेरी गुड पॉइंट, बहुत जानदार और शानदार स्टार खिलाड़ी मोहित जी दलाल साहब। और फिर रेड पर है दुनिया का नंबर एक रेडर रिंकू खरेटी जी दलाल साहब। और जयवीर जी किसी साइड कोई कितनी कैच लगाओ, संजय उल्दार की तरफ से पर कैच 100 रुपए होंगे, कैच हम बता देंगे उल्दार साहब दोनों साइड की। रिंकू खरेटी दूसरी रेड करता हुआ और यहाँ बिल्कुल अच्छी ट्राई थी सुधीर सुधा की, गलू लाटर का चहेता खिलाड़ी, लक्ष्य जिम की तरफ से हमेशा मान सम्मान दिया जाता। फिर रेड पर है दलाल साहब सुधीर, प्यार का नाम डालडा और सामने है पिछले साल लगातार 8 मोटरसाइकिल जीतू श्याम सिंगवा और इस बार लगातार 9 बार बेस्ट कैचर आ चुका मानपुरे वाला मनीष, मनीष मानपुरा और श्याम सिंगवा। एक मिनट प्रदीप फौजी रसुन जाने मर्याद मारे तो बाजू पकड़ पकड़ बात करें जमा बालक बहन ने, प्रदीप फौजी बोलो राजा पानू, दोनों भाइयों की तरफ से सुधीर डालडा नॉन स्टॉप रहेगा तो 1100 रुपए और अनिल पानू बेस्ट आएगा तो 1100। ओके इस बार लाइन पे बैठ जाओ जाके प्लीज, आपका अपना खेल मेला है, सहयोग करें। क्या हुआ सरपंच साहब की बात सुनिए, शायद कोई कैचर आउट हुआ, शायद दीपक दाना आउट हो गया है, सरपंच साहब ने बताया कि पॉइंट सिंगवा को मिल चुका है, दीपक दाना आउट हुआ। सतपाल जी बिडान आपको कंप्यूटर की उपाधि प्राप्त है, बोलिए जय भी जीवन भरी जी दलाल साहब मेरे बड़े भाई। और रेड पर है मोहित नंदगढ़ वाला मोहित, बल्ले बल्ले क्या शानदार शरीर बनाया है, मेहनत से कमाया हुआ शरीर। श्याम सिंगवा एक स्टार से पॉइंट लिया है इस युवा स्टार ने मोहित नंदगढ़ ने, बड़ा रोमांचकारी मुकाबला जैसा कि फाइनल मैच होना चाहिए दलाल साहब। और अब फिर आपकी साइड में आ रहा रिंकू खरेटी,
मनीष मानपुरा जितनी कैच लगाएगा नरेश हवलदार की तरफ से 100 रुपए मिलेंगे। आप भाव बढ़ा दो, रात का 1:30 बज रहा है। और रिंकू खुरेटी मेरे ख्याल से अपनी तीसरी रेड करता हुआ, सामने बड़े बड़े कैचर, बड़ा बड़ा नाम है सभी का, लाठिया काला राजकुमार उर्फ काला लाठ। और यहाँ रिंकू खुरेटी को कैच हो गई है दोस्तों, तालियां बजाइए। और डाटा सिटी फिर आ गया, ये पैसे के बगैर बात नहीं करते, ये चलता फिरता एटीएम है, उसका नाम डाटा सिटी है। सुधीर लाला चल पड़ा, सुधीर लाला डाटा सिटी की तरफ से। दलाल साहब कोई भी कैचर सिंगवा का कोई भी कैच लगाए 500 रुपए पर कैच। ये है श्याम मनीष, मनीष डालडा की जो लड़ाई थी उसमें सुधीर डालडा कामयाब हुए दलाल साहब अंक लेने में। और फिर रेड पर है मनदीप नारूर उर्फ नन्ना सिंगवा दलाल साहब जी अपनी चौथी रेड के साथ बिठान साहब, चौथी रेड पर है मनदीप नारू नन्ना जिसको प्यार से कहते हैं, चाहे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे ओपन की बात है, चाहे फेडरेशन कप की बात है, बड़ा अच्छा खेलता है। और दीपक दाना को टच हुआ, पॉइंट मिला मनीष कुमार को, मनदीप कुमार को। मनदीप और मनीष में बहुत अंतर है, लेकिन ये मनदीप नारू है और मनीष मानपुरा। और फिर रेड पर है मोहित मन मोहने वाला, चौथी रेड पे जयवीर जी, चौथी रेड मन मोहने वाला मोहित नंदगढ़। सामने मिता सिंगवा, मनीष मानपुरा, श्याम सिंगवा और एक अच्छा मुकाबला श्याम श्याम मोहित, लेकिन कामयाबी मोहित नंदगढ़ को। और फिलहाल लीड पर है गांव झमोला की टीम सिंगवा के अपेक्षा। जी दलाल साहब जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। और रिंकू खरेटी चौथी रेड, हर रेडर का लेखा जोखा सतपाल जी बिधान की कलम से लिखा जाएगा, कौन बेस्ट कैचर होगा, महाराणा प्रताप का आश्री चेतक घोड़ा कौन बेस्ट रेड होगा। और ये दी सुधीर अच्छी ट्राई, लेकिन पॉइंट मिला रिंकू खरेटी को दोस्तों। 5 सेकंड के अंदर रेड करो भाई, यानी कबड्डी के गरिमा को मत भूलिए प्लीज। बिल्कुल दलाल साहब, नियम नियम होते हैं, नियमों के अनुसार खेलिए। सुधीर फिर रेड पर है सिंगवा के पाड़े में, 1 अंक की लड़ाई, 30 सेकंड की लड़ाई और फिर भाई भाई देखते हैं इंडिकेशन क्या रहता है। और इंडिकेशन है जयवर्ट सिंह हरियाणा पुलिस द्वारा टच हुआ है और पॉइंट गो टू सुधीर। सुधीर आप चलिए अपने पाड़े में, पाड़े में चलना, ये ऑफिशियल का काम है, आपका काम नहीं है। मैं एक बात बता दूं, एक टीम को 1 रू दिया जाएगा, रू पास हो या फेल कभी भी आप ले सकते हैं। ठीक है ठीक है, रामवीर जी छुड़ानी आप देख के आइए, सिर्फ 1 रिव्यू मिलेगा भाई, सोच समझ के लेना, जो भी दोनों टीमों के लिए सूचना है, अपना पूरा दिल ठोक के रिव्यू ले मांगना, सिर्फ 1 ही रिव्यू मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल हैं अपनी, अगला रिव्यू दिया जाएगा, फेल होगा तो भी नहीं दिया जाएगा। आपने प्रो कबड्डी में देखा होगा दोस्तों, जो नए नए कैप्टन बनते जो उतावले होते हैं, कभी फर्स्ट में रिव्यू को खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल दलाल साहब, इसीलिए जैसा कि खेल कमेटी ने हमें बताया कि केवल 1 ही रिव्यू दिया जाएगा, दोनों टीमों को 1-1, चाहे वो सक्सेस हो या अनसक्सेस हो। और वो देखना इन टीमों ने है कि हम ये रिव्यू लें या ना लें। और उसी संदर्भ में सिंगवा टीम ने अपने फुल कॉन्फिडेंशियल के साथ कहा कि हमें रिव्यू चाहिए, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमने रिव्यू देखना है। और दलाल साहब बड़ा रोमांचकारी मुकाबला, जैसा कि जिस इंतजार में दर्शक थे कि फाइनल मैच ऐसा लगना चाहिए, बिडार साहब बिल्कुल मेरे हिसाब से उसी तरह का फाइनल मैच लग गया हुआ है। और हमारे मैं बताना चाहूंगा दर्शक साथियों की तरफ से, मेरे साथ मेरे बड़े भाई जिसकी गाइडलाइन में मैं कमेंट्री कर रहा हूं, सुरेश दलाल जी बड़े उच्च स्तरीय और शब्द कोश के ज्ञानी, खेल के ज्ञाता, और साथ में सतपाल डीपी जींद, सतपाल डीपी बिडाण, पेगा जींद जो वैल्यूएशन कर रहे हैं इन दो मोटरसाइकिलों की,
और एक साइड में अजय भट्ट सिंह हरियाणा पुलिस, एक साइड में दिलबाग डीपी पाई और बीच में शिला डीपी भनभोरी, ये इस मैच का संचालन कर रहे हैं। फाइनल मैच सिंगवा रागव डिस्ट्रिक्ट हिसार और जमोला डिस्ट्रिक्ट जींद। जी दलाल साहब और जयवीर जी भनभोरी, बिल्कुल आपने सही शब्दों में बताया, सबकी क्वालिटी बताई, आपको नमन करते हैं। और भाई अगर यहाँ कैच के पक्ष में पॉइंट जाएगा तो एक्स्ट्रा में जुड़ेगा, किसी कैचर के खाते में नहीं जुड़ेगा। अगर पॉइंट रेडर को मिला तो टच श्याम सिंगवा का है और श्याम सिंगवा का टच है, शायद कच्चे को हो सकता लगा हो। कई बार दोस्तों सत्ते हैं दोनों खिलाड़ी, कई बार कच्चे को लग जाता है तो कैचर भी सच्चा होता है और रेडर भी सच्चा होता है, नोट करने की बात है। पांचवी रेड नन्ना सिंगवा के द्वारा काला लाट, नहीं और नहीं, बिल्कुल प्यार से पॉइंट अर्जित करता हुआ नन्ना सिंगवा रागव नियर बरवाला जिला हिसार, काला लाठ, नोट करो सर, बोलिए जी दलाल साहब। और फिर मोहित नंदगढ़ दलाल परिवार का बेटा और डिस्ट्रिक्ट जींद का चहेतार, ये अमित अमित सिंगवा, शानदार फाइट मोहित वर्सेस अमित, लेकिन कामयाबी मोहित नंदगढ़ को। रेड पर है रिंकू खरेंटी दलाल साहब, बिल्कुल जिन्होंने बहुत बड़ा मैच, यानी बहुत बड़ा टूर्नामेंट, बहुत बड़ा कप कनाडा की धरती पर खेला था और एक नंबर की रेटिंग अर्जित की थी, 25 में से 21 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी को मिले थे, सबको पीछे छोड़ दिया था। चाहे पाकिस्तान की बात करते हैं, चाहे पंजाब की बात करते, आपका अपना लाडला बेटा, नैन परिवार का बेटा रिंकू खरेटी, काला लाट को टच हुआ और रिंकू स्कोर करने में कामयाब हुआ। जयवीर जी भनभोरी, आपके बहुत ही अच्छे शब्दों से हमारे दर्शक भाई बड़े खुश हैं और सुधीर डाडा दोस्तों रेड पर आएगा। धन्यवाद दलाल साहब, रेड पर है सुधीर, चल बे मानपुरा वाले, तेरी टीम को जरूरत, पीछे चली तेरी टीम है कैच से, और डाल्डा के साथ मुकाबला मनीष सुपरमैन का, लेकिन कामयाबी डाल्डा सुधीर जमोले वाले ने एक अंक लिया अपनी टीम के लिए। रेड पर है मंदीप नारू जी दलाल साहब, मेरे ख्याल से छठी रेड पर, नोट करो जी, छठी रेड पर है ये खिलाड़ी, बिल्कुल सबका लेख जो का लगातार आपको मिला जैसे क्रिकेट में मिलता है। जयवीर जी भनभोरी और सुरेश दलाल के द्वारा और सुधीर सुधा गलू लाठर का बहुत ही चहेता खिलाड़ी लक्ष्य जी जुलाना की तरफ से, जो कि इस खिलाड़ी का हमेशा मान सम्मान किया जाता है। फिर आएगा मोहित नंदगढ़ चुडाली, जो कि सातों लिजवाना का हमारा ये गांव है और मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी भी छठी रेड पर होगा। जी दलाल साहब छठी रेड पर, और सिंगवा वालों के लिए विकास सेक्टर की तरफ से प्रकाश 500 रुपए, साथ में पॉइंट, साथ में 500 रुपए, साथ में मैच में बराबरी, ऐसा ऐसा मौका बार बार नहीं आता। श्याम सिंगवा डाटा सिटी ने भी दे रखे 500 रुपए, यानी कि 1000 रुपए पर पॉइंट और मैच में बराबरी। जी दलाल साहब और फिर इनको भी मेरे ख्याल से छठी रेड पे है, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से दो दो रेडर को यूज किया जा रहा है। रिंकू करेटी नन्ना सिंगवा, सिंगवा की तरफ से रेड कर रहे हैं और जमोला की तरफ से सुधीर डालडा और मोहित दलाल। हार अनिल पानू, दो गुआंडी भाई, जूनियर और सीनियर का मुकाबला है, लेकिन बाइकों में अनिल पानू बहुत आगे है और ये छोटे भाई ने स्कोर किया है। जान और शान की लड़ाई चलती हुई दोस्तों, प्रतिष्ठा और कबड्डी की लड़ाई चलती हुई आप देख रहे हैं। फिर चला है हरियाणा की शान आन बान और शान सुधीर जमोले वाला, डालडा जिसे प्यार से कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जींद का नहीं हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश का चहेता, एक शानदार रेडर सुधीर डालडा, श्याम सिंगवा, सुधीर श्याम, लेकिन कामयाबी सुधीर बड़े शाही अंदाज में अंक लेकर गया अपनी टीम के लिए, अपने आप के लिए। रेड पर फिर चला है मंदीप नारू नन्ना सिंगवा दलाल साहब। दोस्तों पुठी की धरती का खेल मेला अगर आपको लगा बढ़िया, अगर फाइनल मैच बढ़िया चला तो तालियां मार के बताइए और खिलाड़ियों में जोश भरिए और बढ़िया मुकाबला होगा। आओ हाउ, लेकिन मंदीप नारू सातवां पॉइंट लेने में मेरे ख्याल से कामयाब रहा, नॉन स्टॉप चला हुआ है। बिल्कुल दलाल साहब,
विकास सेक्रेटरी ने चार रेडरों पर 500-500 रुपए रखे थे, तीन रेडर अभी तक नॉन स्टॉप है, एक कैच लगी अभी तक और रेड पर फिर मन मोहने वाला मोहित नंदगढ़। ये मनीष, लेकिन अच्छी कोशिश थी, उससे भी अच्छा प्रयास रहा मोहित नंदगढ़ का, एक उभरता हुआ स्टार रेडर हमारे हरियाणा प्रदेश का मोहित नंदगढ़। रेड पर रिंकू खरेड़ी साहब जान का खिलाड़ी है, आप सभी जानते हैं मोहित नंदगढ़ बच्चे ने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाके ये सेहत बनती है। सुबह 4 बजे उठे, शाम को 4 बजे लगे, तभी जाके आप एक अच्छा शरीर बना सकते, फिटनेस का शरीर बना सकते। 7वीं रेट पर रिंकू नैन दोस्तों, और सुधा ट्राई करेगा, नया खिलाड़ी है, जोश में कभी किसी खिलाड़ी ने होश नहीं खोना चाहिए, नहीं तो आप पीछे जा सकते हैं। और अभी रेडर को चेंज किया, तीसरा रेडर यूज किया है गांव जमोला ने अमित सिहाग के रूप में। जी दलाल साहब, हम भी किसी से कम नहीं, बिल्कुल उसी तर्ज पर अमित सिहाग उर्मिता, अच्छे रेडरों में इसकी गिनती होती है। और डबल टच, बिल्कुल साफ स्पष्ट डबल टच, अजय भट्ट सिंह हरियाणा पुलिस द्वारा इंडिकेशन, पॉइंट गोल टू अमित सिहाग। जी दलाल साहब, और जयवीर जी मनबोरी 8वीं रेड पे आ गया है मनदीप नारू, 8वीं रेड पर, 28 रेड हो चुकी है, ये मेरी नॉलेज में 29वीं रेड है मैच की, और इस खिलाड़ी की 8वीं रेड, और अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक मैच होगा। अनिल पानू से टच है, यस, दोनों खिलाड़ी इस बात को समझते हैं, मनदीप नारू अनिल पानू, और यहाँ गुड बैलेंस, अच्छा बैलेंस बना, नारू परिवार का बेटा मनदीप कुमार उर्फ नन्ना सिंगवारा गो, फिर आएगा मोहित दलाल जयवीर जी भनबोरी। जी दलाल साहब, और ये है मोहित नंदगढ़, जिन्हां दे छाती विच बल होए नी, ओना वे सरावे पूछे जांदे नी, यही है मोहित नंदगढ़ की निशानी, और छाती विच बल है मोहित नंदगढ़ के, और शानदार स्टार रेडर, युवा स्टार रेडर मनीष मानपुरा के साथ एक अच्छी झड़प थी, लेकिन कामयाबी मोहित नंदगढ़, बिल्कुल शानदार और जानदार अंक लेकर रेड पर रिंकू खरेटी। दलाल साहब जी, जयवीर जी 8वीं रेड पर फिर रिंकू खरेटी, ये इस मैच की 32वीं रेड चली है दोस्तों, पूरा लेखा जो का आपको बताया जा रहा है, और मैं नमन करना चाहूंगा मेरे भगवानों के दर्शकों का, जो कि काफी संख्या में अभी भी रात के 1-1.5 बजे आप रुके हुए हैं, इतनी सर्दी में खेल मेले को बनाने के लिए, इस खेल मेले में 4 चांद लगाने के आपने कमाल कर दिया, और काला लाट का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, एक खिलाड़ी कमजोर नहीं है, और यहाँ रिंकू को दूसरी कैच हो गई दोस्तों, बोलिए गौ माता की जय, ये खेल मेला शहीदों के नाम से चला हुआ है। चलिए चलिए रेड कीजिए भाई, रेड कीजिए, 5 सेकंड का समय होता है, आइए रेड कीजिए अमित सिहाग, सामने श्याम सिंगवा रामदिया मीता मनीष मानपुरा, लेकिन अमित सिहाग कम नहीं है, स्टार रेडर है ये भी युवा, और श्याम श्याम अमित श्याम के साथ फाइट है, अमित श्याम बिल्कुल कबड्डी कबड्डी, मेरी शान कबड्डी, मेरी जान कबड्डी, और ये श्याम सिंगवा, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, श्याम सिंगवा। हाफ टाइम हो चुका, अभी हाफ टाइम के स्कोर की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, और बताएंगे अभी दलाल साहब हाफ टाइम तक किस टीम ने कितना स्कोर प्राप्त किया। सिंगवारा को जिला हिसार की टीम ने 15 अंक प्राप्त किए हैं, और जमोला जिला जींद की टीम ने 17 अंक प्राप्त किए हैं। आप देख रहे हैं श्याम सिंगवा ने एक कैच लगाई है, जबकि रिंकू खरेटी को जमोला की तरफ से 2 कैच हो गए, इसलिए 2 पॉइंट से जमोला आगे चला, 17 और 15 हाफ टाइम स्कोर। बिल्कुल एक कांटेदार मुकाबला दलाल साहब, जैसा कि आशा थी और दर्शकों की सोच समझ थी कि एक ऐसा मैच लगेगा, एक यादगार मैच लगेगा, आज पुट्ठी गांव की इस ऐतिहासिक खेल ग्राउंड पर, ऐतिहासिक खेल मेले में बिल्कुल
वैसा ही मैच लगा हुआ है जमोला डिस्ट्रिक्ट जींद और सिंगवारागांव डिस्ट्रिक्ट हिसार के मध्य। सिंगवारागांव में जो दो की छूट में प्लेयर खेल रहे हैं रिंकू खरैटी और मनीष मानपुरा, जमोला में जो दो प्लेयर खेल रहे हैं वो है मोहित नंदगढ़ और राजकुमार उर्फ काला गांव लाठ डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और मोहित नाम मोहित गांव नंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट जींद। बिल्कुल एक और नन्ना सिंगवा को जो कैच लगाएगा जमोला टीम का खिलाड़ी नरेश सोलदार की तरफ से 200 रुपए होंगे और किसी साइड को एक कैच लगाए गांव के मुखिया बजेंद्र सरपंच पहलवान की तरफ से पर कैच 100 रुपए होंगे। नोट करो जी अभी तक टोटल 3 कैच है दोस्तों। आप पाले चेंज करा। अच्छा हाँ जी नानो पर कैच 200 रुपए देंगे अनिल जमोला जितनी कैच लगाएगा। नोट करो चले हैं रेड पर दलाल साहब मोहित नौवीं रेड के साथ। यस मोहित नंदगढ़ नौवीं रेड अब तक नॉन स्टॉप रेडर है। 8 के 8 अंक अर्जित किए हैं मोहित ने, 8 रेड लगाई और 8 अंक प्राप्त किए। अब देखते हैं क्या होता है लेकिन टच बिल्कुल इंडिकेशन बाय वही बात दिलबाग डीपी पाई द्वारा जीत लाल साहब। मंदीप जयवीर जी नॉनस्टॉप चला रहे खिलाड़ी भी नौवीं रेड के साथ जमोला के पाले में होगा और सेकंड हाफ की पहली रेड सिंगवा की तरफ से करेगा। बिल्कुल हमारे यानी मंदीप नारू मेरी ख्याल से बाइक की दौड़ में सबसे पहले नंबर पर बना हुआ आई थिंक, बाकी दूसरे खिलाड़ी भी हो सकते हैं। दीपक दाना को टच किया सतपाल जी बिडान और मंदीप को स्कोर मिला है। नोट करो जी और फिर आपके बीच में जयवीर जी बनबोरी के शब्द होंगे जी दलाल साहब और सातवीं रेड के साथ सुधीर उर्फ डालडा। बिल्कुल 4-1 के बीच मुकाबला और ये श्याम सिंगवा पिछली साल का लगातार 8 मोटरसाइकिल विजेता श्याम सिंगवे वाला अंक लेने में कामयाब दलाल साहब रेड पर रिंकू खरैटी। हाँ बिल्कुल आपने ठीक फरमाया रिंकू खरैटी अगर यहाँ स्कोर का कर गया तो स्कोर बराबर होगा, कैच लगी तो फिर 2 का अंतर हो जाएगा। मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है अभी तो 15 का बहुत लंबा मैच होता। काला लाठ अच्छी ट्राई करता और रिंकू खरैटी ने स्कोर कर लिया और मैच भी बराबर हो गया। तालियां ठोक दो जोरदार तालियां दोस्तों मैच में गर्माहट लेके आओ भाई सिंगवा वालों। डाटा सिटी की तरफ से 500 की बजाय 700 रुपए पर कैच, 500 की बजाय 700 डाटा सिटी मोहित नंदगढ़ मनीष मानपुरा और ये देखते हैं क्या इंडिकेशन आता है। डबल टच दिलबाग डीपी पाई बड़े सुरजे ऑफिशियल हमारे दलाल साहब जी और मंदीप नारू दसवीं रेड जी सही है या दसवीं या नौवीं दसवीं रेड बिल्कुल आपने ठीक बताया दसवीं रेड मंदीप नारू नॉन स्टॉप रेडा। इस टूर्नामेंट का तो नहीं कह सकता मुझे ध्यान नहीं, इस मैच का कह सकता हूं दावा ठोक के। और लाठिया काला बड़े भाई को टच किया है लेकिन मंदीप की स्पीड है बहुत अच्छा गेम खेलता सबका प्यारा और चहेता खिलाड़ी चोट में भी बहुत अच्छा खेलता। फिर आएगा हरियाणा प्रदेश का जाना माना खिलाड़ी सुधीर डालडा जी दलाल साहब सुधीर डालडा गांव जमोला सिंगवा के पाड़े में देखते हैं। ये है मनीष मानपुरा हो गई बल्ले बल्ले अंक ले लिया मनीष मानपुरे वाले ने दलाल साहब एक अंक और। पहले हाफ में जमोला टीम आगे निकल गई थी अब अगर ये स्कोर आ गया तो यानी सिंगवा की टीम आगे निकल जाएगी। मैं आपको बता दूं दसवीं रेड पर है दोस्तों क्योंकि जो टीम भी सेकंड आप अच्छा खेलती है ना वही हमेशा जीत हासिल करती है जी दलाल साहब। वाह जी वाह डाटा सिटी वालों आपने तो बिल्कुल छड़ी लगा दी जड़ी लगा दी सिंगवा वालों पर कैच 1000 रुपए डाटा सिटी पर कैच 1000 और ये मोहित नंदगढ़
मनीष मानपुरा आज बिल्कुल बेबस हो गया। मनीष सच्चाई है जयमल जी बनबोरी, मनीष मानपुरा से हर रेडर खोज खाता है दलाल साहब, लेके कह लो डरता है कह लो। जब मनीष मानपुरा अपने रंग में होता तो बड़े बड़े रेडर रास्ता चेंज कर जाते। उस भाई का नाम मनीष मानपुरा और गैर मिरेड मनदीप के द्वारा यानी नन्हा सिंह बा के द्वारा। अब थोड़ा सा झुकाओ, आओ यहां भी कुछ हो सकता है। आप दूर हो जाओ भाई, काम लाल है दूर हो लो। ये काम ऑफिशियल का है। पॉइंट रेडर को मिला अनलक्की, सुधीर आउट हो गया। पॉइंट मनदीप को मिला, कैच होने के 100% चांस थे, लेकिन जब टीम अच्छा खेलती है जयवीर जी तो भाग्य भी साथ दे देता है। बिल्कुल सही फरमा दलाल साहब आपने, लक एन मौके पर लक ही काम देता है। जब आदमी की मेहनत बेकार भाई होनी हो तो लक काम करता है। रेड लगाइए, 5 सेकंड का समय है, रेड लगाइए। ये नहीं होता भाई, अनिल समझा भाई तेरे खिलाड़ियों को, ये नहीं चलता। टाइम आउट, हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, टाइम आउट भाई दलाल साहब जमोला। डाटा सिटी वालों ने तो आज बिल्कुल अपनी तिजोरी खोल दी है पैसों की। राजा सिंगवा अगर कैच लगाता है तो पर कैच 2000 रुपए, राजा सिंगवा अगर कैच लगाता पर कैच 2000 रुपए डाटा सिटी। क्यों पैसा पैसा करती है, पैसे की लगा दूं मैं जड़ी। डाटा सिटी वालों आपने तो जड़ी लगा दी। और फिर रेड पर है अमित सिहाग, मनीष मानपुरा, श्याम सिंगवा और डबल टच। बिल्कुल चैलेंज मत करे, चैलेंज मत करे। ओ श्याम ये हर बार का आपका एक्शन है, प्लीज ये सुनजे वो ऑफिसर हमारे दिलबाग की बनाए रखे। चैलेंज मत करें, मैं राजा तो कह रहे लाग रहे आप बैंस करें, देखिए हर मैच में आप ऐसा करते, प्लीज आपको शांत बना रखे। बिल्कुल अच्छा मैच है और टेक्निक पे आप ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और सुनजे वो ऑफिसर हमारे दिलबाग डिप्पी जी जी दलाल साहब, रिंकू नैन एक बार जयपुर जीवन बोरी फिर हेड पर है, एक कैच भी आपको सेकंड प्लेस पर धकेल सकती है, लूज कैच धकेल सकते हो, एक अच्छी कैच आपको फाइनल में चैंपियन टीम बना सकती है। अनिल पानू, रिंकू खरेटी, अनिल पानू और पॉइंट सिंगवा राघव के खाते में जोड़ता हुआ। थोड़ा सा सिंगवा राघव की तरह मैच झुक चुका है, लेकिन काला लाट की बात करते हैं, अनिल पानू की बात करते हैं, सुधीर की बात करते हैं, कभी भी मैच में वापसी करा सकते हैं जी दलाल साहब। जे छाती विच बलना हो ये दुनिया कदे ना जे जे कर दी, ये दुनिया कदे ना जे जे कर दी। आज जे जे हो रही है मोहित नंदगढ़ की, क्योंकि आज इसके छाती का बल मोहित नंदगढ़ ने दिखाया है। और मनीष मानपुरा वाला आज बिल्कुल मोहित नंदगढ़ जितनी जारी थी उतनी। अगर मनीष मानपुरा के कोई चंगल में फंस जाए तो आज तक निकल नहीं पाया, लेकिन ये करिश्मा भी मोहित नंदगढ़ ने कर दिया, तालियां बजा दो। बिल्कुल इस स्टार रेडर के लिए, मोहित नंदगढ़ के लिए आज तालियां बजा दो। ये ताकत का खेल है। बारहवीं रेड सर भाई, नन्ना की बारहवीं रेड जा रही है दोस्तों, और इस रेड में रिजल्ट क्या आएगा अभी पता चल जाएगा। नन्ना सिंगवा राघव 12 पॉइंट के साथ नॉन स्टॉप चलावा, बहुत अच्छी बात है इस बच्चे के लिए। अभी क्लैपिंग हो जाए दोस्तों, तालियां बजाइए हर खिलाड़ी के लिए, हर टीम के लिए। अमित की तरफ से चौथी रेड, डाटा सिटी की तरफ से 100 रुपए मोहित नंदगढ़ को इनाम मिल चुका है भाई, धन्यवाद डाटा सिटी। मोहित आपके 100 रुपए। फिर रेड पर है दलाल साहब अमित सिहाग, अच्छा रेडर विकल्प के रूप में। और ये है मनीष मानपुरे वाला, मनीष मानपुरा कोशिश करते हुए, और इस हीरे को त्रासने का काम क्या शिला डीपी बनबोरी और जयवीर बनबोरी। आप अपने मुख से ये बात नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूं। विकास सेक्रेटरी के भाई मनीष मानपुरा आपके लिए
300 तो अलग है ही कैच के, ये 100 अलग से, और ये 100 रुपए अलग से मनीष मानपुरा डाटा सिटी की तरफ से, और 500 रुपए तो अलग से हैं, 100 रुपए ये अलग से ले जाए भाई मनीष मानपुरा के इस कैच पर। खुश होकर डाटा जमोला की टीम मनीष के 3 रेडो पर दाव खेल रही है, सिंगवा राघव की टीम 2 रेडो पर दाव खेल रही है। अब देखते हैं 60-40 का, यहां कैच होगी काला लाट के पक्ष में, फिर तालियां हो जाए दोस्तों। रिंकू खरेटी को इस मैच में आई थिंक 3री कैच, बिल्कुल दलाल साहब। और हमारे इस गांव के मुखिया बजेंद्र सरपंच द्वारा घोषणा के हाफ टाइम के बाद जिस भी साइड से कैच लगी है पर कैच 100 रुपए नोट रखना, ये तो हाँ गांव के मुखिया बजेंद्र पहलवान की तरफ से भी यही सूचना है, पर कैच 100 रुपए किसी साइड। और ये है मोहित नंदगढ़ श्याम सिंगवा कामयाब, बिल्कुल आपका अधिकार है, एक रिव्यू आप ले सकते हैं मोहित, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ भाई, सेफ है। अनिल रिव्यू लिया या नहीं लिया माफ, ठीक है ठीक, देख क्या हो जी, देख क्या हो, ले लिया जी ले लिया। डाटा सिटी की तरफ से कौन से सभी से यही निवेदन है कि आप कृपया मैच देखने के बाद बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से धीरे धीरे, सर्दी का ठंड का समय है, अपने घर की तरफ जाएंगे, न कोई जल्दबाजी हो न हड़बड़ाहट हो, और एक अच्छा खेल मेला चलता हुआ उसका समापन की तरफ चलता हुआ सिस्टम हो। और यहाँ कैच हो गया, पहला टच श्याम सिंगवा के खाते में आ गया दोस्तों। जयवीर जी बनबोरी, इस गांव ने 36 बरादरी के मेरे भाइयों ने ये खेल मेला किसी त्योहार से कम नहीं मनाया, तालियां बजा दो इस गांव के लिए दोस्तों। बिल्कुल दलाल साहब, हम तो तालियां बजा रहे हैं, चलिए दलाल साहब। बिल्कुल मनदीप 13वीं रेड सर, 13वीं रेड है दोस्तों, और सामने आओ, अभी टच नहीं है, और दीपक दाना आउट हो गया, अनिल जमोला को टच हुआ यानी डबल टच हो गया एक किस्म से, बाकी साथी बाहर भाई, एक्स्ट्रा खिलाड़ी रेडर बॉक्स में चले जाएं, बाकी साथी बाहर हो जाएं। देखिए दलाल साहब, अमित जमोला की 5वीं रेड है दोस्तों, 5वीं रेड अमित सिहाग जमोला, और मनीष बानपुरा श्याम सिंगवा, मनीष मानपुरा डिस्ट्रिक्ट करनाल का ये, और मनीष मनीष आज कुछ अब्सेंट लग रहा है मेरे को, वरना अच्छे स्टॉपरों में नहीं कह सकते, बल्कि हरियाणा के टॉप कैचरों में इसका नाम आता है, तो भी अच्छा मैच दिखाया है। दो कैचरों में मनीष मानपुरा, जो आपने सिरे को तराशने का काम किया चाहिए, जयवीर बनबोरी की बात करते, शीला डीपी बनबोरी की बात करते, आपका स्टूडेंट रहा, चेला रहा और है और रहेगा, क्योंकि गुरु कभी नहीं बदलता। रियू तो दोनों टीमों को शायद एक एक मिल चुका है, अब रियू की तो सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि मोहित नंदगढ़ ने जब रियू लिया तो वहां का मैच यानी रियू समाप्त हो गया था, श्याम सिंगवा ने रियू लिया था तो उसका भी खत्म हो गया था, दोनों टीमों के रियू पूरे हो चुके हैं जी दलाल साहब, बिल्कुल जो इनका अधिकार क्षेत्र था वो अब समाप्त हो चुका है, अब तो खेल कमेटी का निर्णय और कोचिंग साहिबान का निर्णय अंतिम होगा, न कि किसी खिलाड़ी की चलेगी। राजकुमार रिव्यू की सुविधा समाप्त, आप ले चुके हैं दोनों टीमें, और मेरे को नहीं लगता कि खेल कमेटी को किसी से भी कोई द्वेष होगा या कोई पक्षपात होगा, बिल्कुल निष्पक्ष टूर्नामेंट है ये, दोनों टीमें बिल्कुल एडी चोटी का जोर लगाए हुए हैं मैच को अपनी तरफ ले जाने के लिए, और होना भी चाहिए, हमारे दर्शक इसी इंतजार में और यही चीज देखने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं इतनी ठंड में। बिल्कुल साफ और निष्पक्ष खेल चलता हुआ, ईमानदारी से चलता हुआ मैच, फाइनल मैच फॉर दिस टूर्नामेंट। और जयवीर जी थोड़ी सी पलियम देने चाहेंगे दर्शक भाइयों को, बता नानू ट्रक ड्राइवर अनिल जमोला जितनी कैच लगाएगा पर कैच 500 रुपए पाएगा,
और यू चेक किया गया ऑफिशियल की तरफ से, अभी फैसला आ जाएगा। दोनों टीमें खेलने के लिए तैयार हो जाए, फैसला जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, खेलने के लिए तैयार हो जाए। मैं दोनों टीमें बीरबल पानू और रामवीर सुडानी रिव्यू देख के आए, और यह कैच मानी गई है काला लाठ के पक्ष में। भाई चलिए भाई रेड करिए मोहित दलाल, किसकी रेड आपकी तरफ से? हाँ काला लाठ की तो बात कर रहा हूं, बैरियू के बाद कोई चक्कर नहीं होना चाहिए, जब रिव्यू भी देख लिया अब तो चक्कर खत्म हुआ। देखिए ये चीजें सिंगवा टीम के लिए मैं विशेष बोलना चाहूंगा, ये चीजें नहीं होती। अगर आपको ऐतराज करना था तो रिव्यू से पहले, जब रिव्यू देख लिया तो आप कैसा ऐतराज भाई? भाई जयबीर जी ने गजब की बात कह दी, नियम की बात कह दी। अगर ऐतराज करना था तो पहले करना था, रिव्यू देखने में आप खुश थे तो जो डिसीजन होगा वो माना जाएगा। रेड कराओ जी, काली रात ना करो। बीरबान जी रेड कराओ, भाई रामवीर जी सुडानी रेड कराओ, प्लीज 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 रेड कराइए। आप खेलिए, खेल की भावना से खेलिए, ईमानदारी से खेलिए, सच्चाई से खेलिए। वो ठीक आपकी बात के रिव्यू खत्म हो चुके थे दोनों टीमों के, लेकिन ऑफिशियल रिव्यू ले लिया आपने, दे दिया कमेटी ने, दे दिया, वो तो फिर मानना ही पड़ेगा, वो अंतिम निर्णय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैच स्टार्ट करवाइए छुड़ानी जी। भाई एक काम करो भाई, सुनो भाई, कमेटी ने चीफ रेफरी ने रिव्यू नहीं देखा, आप सबने देखा, दोनों देखन गए थे। अब जब रेफरी की चलती है नहीं थोड़ा बैठ जाओ आप खेल लेंगे भाई, और इलाज के है कमेटी बीरबान साथ में गया है, रेफरी गया, अगर ये फैसला मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भाई अपना आप खेलन दो, और कोई इलाज को नहीं भाई मारा भाई, रोज का काम हो गया। यू रू के बाद भी स्पष्टीकरण नहीं, तसली नहीं होती किसी भी खिलाड़ी को, ना मारे ये दुश्मन ना ये मारे दुश्मन, सारे मारे भाई हैं, किसी टीम के साथ या किसी खिलाड़ी के साथ वो तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल देखिए रामवीर जी कह रहे हैं कि बिल्कुल मैंने देखा है, जो भी है स्पष्ट है, बिल्कुल स्टॉपर का पॉइंट। और बेटोक साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, रिव्यू तो खत्म है लेकिन फिर अगर ऐसा पॉइंट आता तो फिर रिव्यू लेंगे, इन्होंने कहा भाई, लेकिन गांव पर दाग नहीं लगने जगह, मैच बिल्कुल फेर होगा, चाहे दो घंटे और लग जाओ भाई, बिल्कुल मैच फेर होगा, और जय पर जरूरत पड़ेगी जय पर रिव्यू लेंगे, डाक साहब का ऐलान है। बिल्कुल छुटानी साहब आपके डिसीजन पर कोई शक नहीं है, और मैं सिंगवा टीम से निवेदन करूंगा कि आप खेलिए भाई, अगर अगर कोच कोई भी शक है सिल्ला भाई साहब चेक कर सको, रेफरिया का था दोबारा चेक कर सको, कोई भी रेफरिया फैसला मानने होगा, हाँ कमेटी भी देख लो, और अगर कोच भी जाना चाहो तो देख सके। राम दिए रेफरिया फैसला, ये तो भाई फिर रोने वाली बात होगी मेरे भाई, प्लीज पहलवान प्लीज आप मैच खेलिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है बार बार आप मैच खेलिए। देखिए आप एक्स्ट्रा साथी बाहर जाइए, दलाल साहब आप एक मिनट रुकिए, बिल्कुल स्पष्ट बात कर दूंगा मैं। देखिए दोनों टीमों का रिव्यू समाप्त हो चुका था, लेकिन ऑफिशियलों ने अपनी संतुष्टि के लिए ये रिव्यू लिया, इन्होंने ईमानदारी से देखा, काला लाठ ने बिल्कुल कैच लगा रखी है, ये कैच है, सिंगवा टीम खेलना चाहती है तो खेलो वरना जाओ। नहीं नहीं खेलो, जाओ क्यों, बिल्कुल खेलो भाई, एक घंटा यार जान का तो सवाल ही नहीं, टीम खेले खेलेगी, खेलो आप खेलो या कोई बात शाम चल प्लीज, खेलो आप चलिए प्लीज, आपने पहले कहना था ना खेलेगा तो सवाल ही नहीं उठता। रेड राजा भाई, मोहित किसकी रेड है? रेडरा यार मैच नहीं खेल रहा था, रोजाना का काम है। चलिए भाई खड़े हो जाओ भाई, तालियां मारो दोस्तों, मैच शुरू हो गया। ऐसे ऐसे मैच कभी कभी लगते इस खेल मेले के लिए, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। रेड पर है मोहित, मोहित नंदगढ़, मोहित नंदगढ़, मोहित नंदगढ़, और मनीष मानपुरा, श्याम सिंगवा, श्याम श्याम श्याम, और पॉइंट गोज टू रेडर। हाँ छाला सा पड़ गया, बिल्कुल मौज होगी, दर्शक भाई खुश है, रात बे से गुजर गई, टूर्नामेंट में मजा, और चौदहवीं रेड
मंगे पनारू चौदहवीं रेड के साथ सर चौदहवीं रेड जयवीर बनबोरी ने भाई आज वाक्य में एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से बात की और दीपक दाना को टचा सर और नन्ना सिंहवा मेरी नॉलेज में नॉन स्टॉप चलावा 14 रेड 14 पॉइंट और डाटा सिटी का तो कमाल है जितने सिंहवा की टीम बनाओगी इतने रुपये बिल्कुल। और फिर चले है दलाल साहब मोहित अमित सिहाग छठी रेड के साथ जैसा कि सतपाल डीपी बिडलान साहब बता रहे हैं और मनीष मानपुरा को टच है श्याम सिंघवा ने गलती की पॉइंट मिला अमित शाह को और रिंकू खरेटी रेड पर जी डबल टच है बिडलान साहब हाँ और रिंकू नाइन रेड पर आ गया। दर्शक वीरो एक कैच भी आपको चैंपियन बना सकती है एक लूज कैच भी आपको 51,000 पर ला सकती है। महाराणा प्रताप के दो असली चेतक घोड़े कौन होंगे यह बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैच बिल्कुल समाप्ति की ओर है रिंकू ने अपना एक एक रेड बाकी है तालियां मारिए दर्शक वीरों बिल्कुल। फिर रेड पर लास्ट रेड के साथ मोहित नंदगढ़ और दोस्तों शंगुआ का स्कोर है 29 और जमोला का स्कोर है फिलहाल 27। शंगुआ की टीम एक कैच आगे है और मोहित दलाल रेड पे है अब हो गया 28 और 29 आखिरी रेड पे मैच का तोड़ होगा। अगर नन्ना सिंघवा नोट सौंप रहा तो शंगुआ जीतेगी कैच लगेगी तो मैच बराबरी पे आ जाएगा। तालियां मार दो दोस्तों इस मैच के लिए बिल्कुल शानदार मैच चलता हुआ 15वीं रेड नन्ना सिंघवा 15वीं रेड पे है बाइक का फैसला होना है चैंपियन टीम का फैसला होगा सिंघवा जीते या जमोला बाकी खिलाड़ी दूर आओ फाइनल मुकाबला तालियां मार दो दर्शक वीरो इस मैच के लिए 28 जमोला 30 सिंघवा बेस्ट रेडर नन्ना सिंघवा राघव इस प्रजापत की तरफ से ₹500 बेस्ट कैचर काला लाठ बेस्ट रेडर 915 रेड 15 पॉइंट नन्ना सिंघवा तालियां मार दो दोस्तों खेल मेला समाप्त हुआ। और मैं नन्ना सिंघवा ₹500 लेके जाए हमारी ₹500 नन्ना सिंघवा शक्ति साहब बाइक नीचे तरवालो क्योंकि अब एक चक्कर भी लगवाना पड़ेगा चाबी भी देनी पड़ेगी। दादा बाइकों को नीचे लगा दो लाइव के सामने दोनों बाइकों को लगा दो। और वह दर्शक भाइयों आपने यह खेल मेला त्योहार के रूप में मनाया आराम से घर जाना।